तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम कई सारे सिम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उनका नंबर याद नहीं रहता है। नहीं जैसे जियो का सिम हो गया, एयरटेल का सिम हो गया, वोडा या फिर आइडिया का सिम हो गया, अलग अलग स्मार्टफोन में या फिर एक ही स्मार्टफोन में अलग अलग सिम का इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमें वो सिम का नंबर याद ही नहीं रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अगर किसी भी सिम का इस्तेमाल करते हो तो उसका नंबर आप इजीली निकाल सकते हो, चाहे वो वोडा का हो, आइडिया का हो, एयरटेल का हो, कोई सा भी सिम हो, उसे आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको क्या तरीका इस्तेमाल करना है जिससे आपका कोई भी सिम हो उसका नंबर आप खुद से ही निकाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर जियो का। तो फ्रेंड्स, अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हो तो नीचे में आपको एक कोड दिखाई दे रहा होगा, उस कोड को आपको डायल करना है। डायल करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका नंबर, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा जिसमें आपका क्या प्लान चल रहा है, क्या नंबर है, सब कुछ आ जाएगा। अगर आप एयरटेल सिम का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे जो कोड दिखाई दे रहा है उस कोड को आपको एयरटेल में डाल देना है, जिसके बाद एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में आपको आपका नंबर पता चल जाएगा। अगर आप वोडा फिर आइडिया का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपको डायल करना है, उसके बाद आपको आपका नंबर दिखाई देने लग जाएगा। तो अब आएगा मजा। तो इस तरह से आप कोई से भी सिम का इस्तेमाल करते हो, इन कोड को डाल करके आप अपने नंबर को जान सकते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आखिरकार ये कोड जो है वो आपके साथ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा नॉलेजेबल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगला नया वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।